जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का जीएस विद आशु पर। आज की वन शॉट की वीडियो बिहार परिचारी में एक सीट कंफर्म कराने वाली वीडियो है। हम केवल 8 मिनट के अंदर ऐसे 25 प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम को फतह करने में काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आपका सपना है एक सरकारी नौकरी का, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन खत्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे जनरल बिपिन रावत, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से हैं? भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बादल या कोहरा किस कोलाइडी तंत्र का उदाहरण है? बादल या कोहरा उदाहरण है गैस में विक्षेपित द्रव का, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को क्या कहा जाता है? कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को कहा जाता है आम्र वर्षा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है श्रीनगर से कन्याकुमारी के बीच, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? संविधान सभा का सदस्य नहीं था मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत में बजट निर्माण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के 17वां और विघटन से संबंधित है? भारत के संविधान का जो अनुच्छेद संसद के 17वां और विघटन से संबंधित है वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 85, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से गांधी एज महात्मा के लेखक कौन हैं? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। गांधी एज महात्मा के लेखक हैं शाहिद अमीन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे सीन गैस के रूप में जाना जाता है? सीन गैस के रूप में जाना जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? कानून के समक्ष समानता से संबंधित है अनुच्छेद 14, ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता राज किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या भारत के क्षेत्र में कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध है। अगला प्रश्न देखते हैं, डोंग मुद्रा किस देश से संबंधित है? तो दोस्तों, डोंग मुद्रा संबंधित है वियतनाम से, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का कोर डैश से निर्मित है? पृथ्वी का कोर निर्मित है निकेल और लोहा से, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, माही कंचन और माही धवल किस फसल की किस्म है? माही कंचन और माही धवल किस्म है मक्का का, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है? धुआंधार जलप्रपात निर्मित है नर्मदा नदी पर। धुआंधार जलप्रपात जो कि मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम काल क्षेत्र है यानी कि टाइम जोन? तो दोस्तों, सर्वाधिक टाइम जोन वाला देश है फ्रांस, जिसकी संख्या है
12 और अमेरिका में है 11 टाइम जोन। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया गया? पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया गया 26 जनवरी 1930 को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के रोहतास जिले में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बिहार पंचायत राज अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? बिहार पंचायत राज अधिनियम पारित किया गया था वर्ष 2006 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने संवाद कॉमेडी समाचार पत्र की स्थापना की थी? संवाद कॉमेडी समाचार पत्र की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के प्रसार से संबंधित है? सहकारी समितियों के प्रचार से संबंधित है अनुच्छेद 43 का बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मिजो का पारंपरिक बांस नृत्य है? मिजो का पारंपरिक बांस नृत्य है चिड़ाओ, ऑप्शन नंबर सी। अगला और अंतिम प्रश्न है, सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? सरयू नदी सहायक नदी है शारदा नदी की, ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू।